जवाला ने ट्वीट कर दी जानकारी। बाअदब, बामुलायजा, होशियार, शहंशाह हिंद पधार रहे हैं। स्वागत है आप सभी का, मैं हूं गीतू चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आज शाम नरेंद्र मोदी दोबारा पीएम पद की शपथ लेंगे। शपथ लेने से पहले आज सुबह पीएम मोदी सबसे पहले राजघाट पहुंचे और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। राजघाट के बाद पीएम अटल समाधि स्थल पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी। उसके बाद पीएम मोदी वॉर मेमोरियल पहुंचकर शहीदों को उन्होंने श्रद्धांजलि दी, जहां उनके साथ रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण, तीनों सेना के प्रमुख मौजूद रहे। पीएम मोदी ने आज दोबारा शपथ लेने से पहले राजघाट पहुंचकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद वो पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि पर गए और श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह समेत कई अन्य नेता मौजूद रहे। अटल समाधि स्थल पर पहुंचे पीएम मोदी के साथ नरेंद्र तोमर भी थे। अटल समाधि पर बीजेपी के सभी निर्वाचित सांसद भी मौजूद रहे और श्रद्धांजलि अर्पित की। अटल समाधि स्थल पर जेपी नड्डा, महेंद्रनाथ पांडे मौजूद रहे। इसके साथ ही बीजेपी नेता लॉकेट चटर्जी, मनोज तिवारी, धर्मेंद्र प्रधान, रामकृपाल, रूपा गांगुली, शिव प्रताप शुक्ला, आरके सिंह, रविशंकर प्रसाद, साक्षी महाराज, जयंत सिन्हा, स्मृति ईरानी, हंसराज हंस, प्रवेश वर्मा, कैलाश विजयवर्गीय, अश्विनी चौबे भी अटल स्थल पर पहुंचे। और वहीं पीएम मोदी ने ट्वीट किया है, उन्होंने कहा, हम हर पल प्यारे अटल जी को याद करते हैं। उन्हें ये देखकर बहुत खुशी होगी कि बीजेपी को लोगों की सेवा करने का इतना अच्छा मौका मिला है। अटल जी के जीवन और कार्य से प्रेरित होकर हम सुशासन लोगों के जीवन को बदलने का प्रयास करेंगे। और राजघाट और अटल समाधि के बाद पीएम मोदी ने नेशनल वॉर मेमोरियल का रुख किया। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ पीएम मोदी वॉर मेमोरियल पहुंचे। पीएम के साथ यहां पर सेना अध्यक्ष बिपिन रावत, नौसेना अध्यक्ष एडमिरल सुनील लांबा और वायुसेना के उपाध्यक्ष एयर मार्शल आरकेएस भदौरिया भी मौजूद थे। वॉर मेमोरियल में पीएम मोदी ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। आजादी के बाद शहीद हुए सैनिकों की याद में बना ये मेमोरियल इंडिया गेट के पास स्थित है। इस मेमोरियल में आजादी के बाद से अब तक देश के लिए बलिदान होने वाले सभी सैनिकों के नाम लिखे गए हैं। परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले सभी 21 अमर बलिदानियों को विशेष सम्मान दिया गया है। सभी परमवीर चक्र विजेताओं की मूर्ति भी लगाई गई है। और इस वक्त बड़ी खबर, बरेली से बीजेपी सांसद संतोष गंगवार लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर बनेंगे। वो नए सांसदों को शपथ दिलाएंगे। प्रोटेम स्पीकर उसे बनाया जाता है जो सबसे वरिष्ठ सांसद होता है। संतोष गंगवार 8वीं बार सांसद बने हैं, तो नए सांसदों को गंगवार शपथ दिलाएंगे। लगातार 8वीं बार सांसद बने हैं गंगवार। संतोष गंगवार होंगे प्रोटेम स्पीकर, जो नव निर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाएंगे। नए सांसदों को गंगवार ही शपथ दिलाएंगे। लगातार 8वीं बार वो सांसद बने हैं, सबसे सीनियर हैं। संतोष गंगवार प्रोटेम स्पीकर होंगे, जो शपथ ग्रहण समारोह में बाकी सांसदों को शपथ दिलवाएंगे। आपको बता दें कि 8वीं बार वो सांसद बने हैं। प्रोटेम स्पीकर के रूप में वो अब नए सांसदों को शपथ दिलाएंगे। तो सबसे वरिष्ठों की श्रेणी में गंगवार आ गए हैं, जिसके चलते उन्हें प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है और वो सभी नए सांसदों को शपथ दिलवाएंगे। बरेली से बीजेपी के सांसद हैं। आपको बता दें कि संतोष गंगवार आज प्रोटेम स्पीकर के तौर पर सभी नए सांसदों को शपथ दिलवाएंगे। लगातार 8वीं बार वो सांसद बने हैं। संतोष गंगवार प्रोटेम स्पीकर होंगे बरेली से, वो बीजेपी के सांसद हैं।
पीएम मोदी आज दूसरी बार लगातार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में उद्योग जगत से उद्योगपति मुकेश अंबानी, रतन टाटा, गौतम अडानी, अजय पिरमल, बिल्स गेट्स और क्रिश्चियन लोगार्ड समेत कई हस्तियां मौजूद रहेंगे। वहीं पीएम मोदी के शपथ ग्रहण में एक ओर जहां उद्योगपतियों का भारी जमावड़ा होगा तो दूसरी तरफ फिल्मी जगत से भी कई सितारे इसमें भाग लेंगे। अब जानकारी मिली है कि दक्षिण के सुप्रसिद्ध फिल्म स्टार रजनीकांत, बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान, एक्ट्रेस कंगना रनावत, फिल्म निर्देशक संजय लीला भंसाली और करण जौहर समेत दूसरे कई सितारे भी मौजूद रहेंगे। जबकि खेल जगत से राहुल द्रविड़, हरभजन सिंह, पीटी उषा, जवागर श्रीनाथ, दीपा कर्माकर विशेष रूप से मौजूद रहेंगे। तो शपथ में कई खिलाड़ी भी शामिल होंगे। आपको बता दें कि पीएम मोदी का शपथ ग्रहण समारोह आज होने वाला है जिसमें कई दिग्गज आएंगे। लगातार दूसरी बार पीएम पद की शपथ लेंगे मोदी और पीएम के शपथ में कई उद्योगपति शामिल होंगे, बॉलीवुड की कई हस्तियां होंगी, खेल जगत के कई चेहरे होंगे तो फिल्मी सितारों का जमावड़ा भी रहेगा। शपथ में कई खिलाड़ी भी शामिल होंगे। कांग्रेस के प्रवक्ता एक महीने तक किसी टीवी डिबेट में हिस्सा लेते हुए नजर नहीं आएंगे क्योंकि पार्टी ने यह निर्णय लिया है कि उसका कोई प्रवक्ता डिबेट में शामिल नहीं होगा। लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार की समीक्षा कर रही कांग्रेस ने यह फैसला लिया है। इस बात की जानकारी कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और नेता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर दी है। सुरजेवाला ने ट्वीट कर लिखा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने फैसला लिया है कि वो एक महीने तक टीवी डिबेट के लिए पार्टी के प्रवक्ता को नहीं भेजेगी। सभी मीडिया चैनल संपादकों से अनुरोध है कि वो कांग्रेस के प्रतिनिधियों को अपने शो में शामिल ना करें। आपको बता दें कि बीते शनिवार को हुई कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के दौरान ये बात उठी थी कि प्रवक्ताओं को मीडिया चैनल्स पर होने वाले डिबेट में ना जाने दिया जाए, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है। तो एक महीने तक टीवी डिबेट में शामिल नहीं होंगे कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि अब कांग्रेस का कोई नेता प्रवक्ता टीवी डिबेट में शामिल नहीं होगा। लगभग एक महीने तक टीवी डिबेट से कांग्रेस के नेता दूरी बनाए रखेंगे, जिस तरह से ट्वीट कर जानकारी दी है। तो लगातार बैठकों का दौर चल रहा है कांग्रेस में और कई बातें सामने आ रही है जिसमें यह भी एक महत्वपूर्ण फैसला है कि जितने भी कांग्रेस के प्रवक्ता है उन्हें अब टीवी डिबेट से दूरी बनानी होगी। लगभग एक महीने का समय दिया गया है जब कांग्रेस नेता टीवी डिबेट में हिस्सा नहीं लेंगे। रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। तो जिस तरह से चर्चा हो रही थी, हार का मंथन हो रहा था, तो ये मुद्दा भी उठा और अब ये कहा जा रहा है कि टीवी डिबेट में कांग्रेस के प्रवक्ता नेता शामिल नहीं होंगे। जो डिबेट होगा उसमें एक महीने के लिए अब कांग्रेस नेता नजर नहीं आएंगे, कांग्रेस के प्रवक्ता दूरी बनाए रखेंगे टीवी डिबेट से। तो कांग्रेस प्रवक्ता ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है और कहा है कि अब से एक महीने तक कोई भी कांग्रेस का प्रवक्ता टीवी डिबेट में शामिल नहीं होगा। और इस वक्त हमारे साथ संवाददाता देवनाथ जुड़ गए हैं। देवनाथ, आखिर किन कारणों के बाद यह फैसला लिया गया है, क्योंकि लगातार बैठकों का दौर तो कांग्रेस में भी जारी है और हार पर मंथन किया जा रहा है, तो क्या हार की एक वजह यह भी मानी जा रही है? देखिए जी, जब से लोकसभा चुनाव के नतीजे आए हैं तब से लगातार कांग्रेस पार्टी के कई बड़े नेता मंथन कर रहे हैं। अभी सीडब्ल्यूसी की मीटिंग हुई थी तो उसमें भी तमाम बड़े नेता चाहे वो सोनिया गांधी हो, प्रियंका वाड्रा गांधी हो या फिर राहुल गांधी हो, और कांग्रेस के कई बड़े नेता शामिल हुए थे और उसमें भी इन वजहों पर मंथन किया गया कि हार क्यों, इतनी बड़ी हार आखिर हुई कैसे। उसके बाद निकल कर आया पुत्र मोह का एक नया बयान आया कि हम इस वजह से हारे हैं, हमारे सीनियर लीडर अपने अपने बेटों को टिकट दिलवाने के लिए जो है नाराजगी दिखा रहे थे। तो कहीं ना कहीं जिस तरह उसके बाद जो है समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, इन लोगों ने ये ऐलान किया कि हमारे कोई भी प्रवक्ता किसी भी टीवी चैनल पर जाके किसी भी बहस का हिस्सा नहीं बनेंगे। और तभी ये कयास लगाया जा रहा था कि कांग्रेस की ओर से जल्द ही ये प्रक्रिया आएगी और कहीं ना कहीं आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 7 बजे प्रधानमंत्री पद के लिए एक बार फिर से दोबारा से शपथ ग्रहण करेंगे तो ऐसे में उसी दिन जो है कांग्रेस की तरफ से ये बयान जारी किया गया है कि आने वाले अगले एक महीने तक किसी भी टीवी चैनल
का हिस्सा कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं बनेंगे। तो साफ तौर से एक तरफ तो ये दिखाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब शपथ ग्रहण करेंगे उस समय सोनिया गांधी, राहुल गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह मौजूद रहेंगे। तो दूसरी तरफ कहीं ना कहीं जो ये बयान आया है रणदीप सुरजेवाला का, जो ये ट्वीट आया है, वो दूसरी तरफ इशारा करता है। जी बिल्कुल देवनाथ, और इस बात के ये मायने भी निकाले जा सकते हैं क्योंकि जिस तरह से लगातार कांग्रेस के प्रवक्ता टीवी डिबेट्स में शामिल हो रहे थे लेकिन उसके बाद भी लोगों तक शायद अपनी बात को समझाने में नाकाम रहे, जिसके चलते डिबेट्स तो तमाम हुए, खामियां भी सरकार की निकाली गई लेकिन उसके बाद भी जनाधार पीएम मोदी के साथ ही रहा। देखिए बिल्कुल गीतू, कहीं ना कहीं जिस तरह से प्रियंका गांधी का कल बयान आया कि जब सीडब्ल्यूसी की मीटिंग चल रही थी उस समय ये कहा गया कि पार्टी को खाने वाले लोग भी यहीं पे बैठे हैं, यानी कि जो अंतर घात करने वाले नेता हैं। साफ तौर से प्रियंका और गांधी ने ये कहा कि पार्टी में कई बड़े बड़े छोटे ऐसे नेता हैं जिनकी वजह से हमें इस तरह जो है हार का सामना करना पड़ा है। तो लंबे समय से जब से रिजल्ट आया तब से कांग्रेस के अंदर जो है बैठकों का दौर जारी है और मंथन चल रहा है। तो कहीं ना कहीं जो प्रवक्ता बहस का हिस्सा बनते थे और कहीं ना कहीं इस तौर से देखा जा रहा है कि अगर कम जानकारी या फिर यूं कहें कि कम जो है जानकारी, अगर पार्टी के प्रति उनको जानकारी नहीं है और वो कुछ ऐसा बयान दे देते हैं जिससे उनकी किरकिरी होती है, तो साफ तौर से कुछ यही वजह अभी निकलकर सामने आ रहा है कि इसके बाद एक तरह से एक टीम बनाई जाएगी और जो जिनको ऊपर से आदेश आएगा कि इनको ही बहस का हिस्सा बनना है, इस तरह से जो है एक रणनीति बनाई जाएगी। उसके बाद ही सभी एक महीने का समय दिया गया है। जी बिल्कुल देवनाथ, तो जिस तरह से ये ट्वीट किया गया है और रणदीप सुरजेवाला ने ये जानकारी दी है, ऐसे में क्या प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं? क्या जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं अब इस बात को मानेंगे और एक महीने तक वाकई टीवी से दूरी बनाए रखेंगे? देखा जाए तो जब समाजवादी पार्टी या बसपा की तरफ से ये बयान जारी किया गया था तो पार्टी के प्रवक्ताओं ने तुरंत ही उसको मंजूर कर लिया था। तो वैसे ही एक तरफ से जब कांग्रेस के मीडिया प्रभारी हैं रणदीप सुरजेवाला, उन्होंने जब ट्वीट किया तो कहीं ना कहीं किसी के कोई कांग्रेस के किसी भी नेता की कोई प्रतिक्रिया अभी सुनने को नहीं मिली है और नहीं आई है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि जब एक महीने के लिए इस तरह से बैन किया गया है अभी कांग्रेस प्रवक्ताओं को, तो इसी रूप से जोड़कर देखा जा रहा है कि सभी को मंजूर होगा और पार्टी को आगे ले जाने के लिए जो रणनीति बनाई जाएगी ये भी उसी रणनीति का एक पार्ट होगा। जी धन्यवाद देवनाथ इस पूरी जानकारी के लिए। तो रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर ये जानकारी दी और कहा है कि कांग्रेस के प्रवक्ताओं को टीवी डिबेट में शामिल नहीं होना है और लगभग एक महीने तक कांग्रेस के प्रवक्ता अब टीवी डिबेट से दूरी बनाए रखेंगे। कांग्रेस के टीवी डिबेट में प्रवक्ताओं के शामिल नहीं होने के फैसले के पहले समाजवादी पार्टी ने भी अपने सभी प्रवक्ताओं को टीवी डिबेट में शामिल नहीं होने का फरमान सुना दिया था। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पार्टी के सभी प्रवक्ताओं का मनोनयन तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया था। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने इस बात की जानकारी सभी समाचार चैनलों को भेजी थी। राजेंद्र चौधरी ने पत्र में पार्टी का पक्ष रखने के लिए किसी भी पार्टी पदाधिकारी को टीवी चैनल्स को आमंत्रित नहीं करने का अनुरोध किया था। तो इससे पहले एसपी प्रवक्ता ने पत्र लिखकर बताया था कि एसपी के नेताओं के लिए भी यही नियम लागू किए जा रहे हैं और टीवी चैनल से दूरी बनाए रखने की बात कही गई थी। खुद अखिलेश यादव ने कहा था कि एसपी के प्रवक्ताओं को अब टीवी से दूरी बनानी होगी और उस पर कार्रवाई होती हुई भी दिखाई दी थी। पीएम मोदी से मिलने पहुंचे अमित शाह, पीएम आवास पर मुलाकात, कैबिनेट को लेकर चर्चा संभव है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, पीएम मोदी से मिलने पहुंचे हैं अमित शाह और कैबिनेट को लेकर चर्चा संभव हो सकती है। पीएम आवास पर ये मुलाकात हो रही है, प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए अमित शाह पहुंचे हैं, पीएम आवास पर ये मुलाकात हो रही है, कैबिनेट को लेकर चर्चा संभव है। तो कैबिनेट को लेकर चर्चा संभव है और तमाम तरह की अटकलें तो लगनी शुरू हो चुकी है, कौन कौन इस कैबिनेट में शामिल होगा, किसको मौका दिया जाएगा, लेकिन अभी सिर्फ ये कयास ही है। सब कुछ थोड़ी ही समय के बाद साफ हो जाएगा जब शपथ ग्रहण समारोह होगा,
लेकिन आपको बता दें कि अभी आखिरी दौर की बैठकों का सिलसिला चल रहा है और कैबिनेट को लेकर चर्चा संभव हो सकती है। शपथ से पहले मोदी शाह की मुलाकात कई मायनों में खास मानी जा रही है। पीएम आवास पहुंचे अमित शाह और उम्मीद जताई जा रही है कि कैबिनेट को लेकर चर्चा हो सकती है। पीएम आवास पर मुलाकात हो रही है। आपको बता दें अमित शाह पीएम आवास पहुंचे हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि कैबिनेट को लेकर यहां पर चर्चा होने की संभावना है। और इस वक्त हमारे साथ संवाददाता ममता चतुर्वेदी जुड़ गई हैं। ममता, तो क्या उम्मीद जताई जा रही है अमित शाह पीएम मोदी से मिलने के लिए पहुंचे हैं? जी बिल्कुल गीतू, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह प्रधानमंत्री से मिलने पहुंचे हैं और ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि तस्वीरें एक घंटे बाद साफ हो जाएंगी कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कैबिनेट के वो कौन कौन से मंत्री होंगे जो शपथ ग्रहण करेंगे। हालांकि अगर सूत्रों की बात करें तो उनका साफ तौर पर कहना है कि राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, निर्मला सीतारमन, इसके अलावा हर घटक दल से एक सदस्य जो है, एक नेता जो है, एक सांसद मंत्री पद की शपथ ले सकता है, जिसमें रामविलास पासवान समेत तमाम लोग हैं। रामदास अठावले हो गए, शिवसेना की तरफ से एक नाम भेजा गया जिसमें अरविंद कुमार का नाम है, जेपी नड्डा है, ये वो तमाम लोग हैं जिनकी बात कही जा रही है कि ये लोग प्रधानमंत्री के साथ शपथ ग्रहण कर सकते हैं। हालांकि जो तस्वीरें हैं वो महज एक घंटे में साफ हो जाएंगी, क्योंकि कहा जा रहा है कि एक घंटे बाद पीएमओ से, पीएमओ कार्यालय से इन तमाम लोगों के पास फोन जाएगा जिन लोगों को प्रधानमंत्री के साथ शपथ ग्रहण करना है, जो लोग कैबिनेट के मंत्री बनने वाले हैं। गीतू जी बिल्कुल, ममता तो क्या उम्मीद जताई जा रही है कि अमित शाह तो है ही पीएम मोदी के साथ इस बैठक में, क्या कोई और बड़े नेता भी इसमें शामिल रहेंगे? देखिए फिलहाल प्रधानमंत्री से मुलाकात कर अमित शाह पहुंचे हैं और अमित शाह को ही ये पूरा कंफर्म करना है कि कौन कौन से लोग प्रधानमंत्री कौन कौन से लोग मंत्री बनेंगे। प्रधानमंत्री अमित शाह के साथ बैठकर इस पर चर्चा कर रहे हैं और मुमकिन है कि थोड़ी देर में तस्वीर साफ हो जाएगी, ये पता चल जाएगा कि कौन कौन से लोगों को इस बार भी मंत्री बनाया जा सकता है। हालांकि अगर सूत्रों की बात करें तो प्रधानमंत्री के साथ इस वक्त केवल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह मौजूद हैं। दोनों लोग इस बातचीत कर रहे हैं कि आखिरकार किन किन लोगों को कैबिनेट में शामिल करना है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक कुछ लोगों का नाम सामने आ रहा है जो पिछली बार भी कैबिनेट में मंत्री थे, चाहे वो नरेंद्र सिंह तोमर हो, इसके अलावा जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, राजवर्धन राठौर, अर्जुन मेघवाल, ये वो तमाम नाम है जो सामने आ रहे हैं सूत्रों के हवाले से कि ये लोग भी कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि एक डेढ़ घंटे बाद हो जाएगी जब ये पता चल जाएगा कि आखिरकार पीएमओ कार्यालय से किन किन लोगों को, किन किन सांसदों को फोन आया है। बिल्कुल, धन्यवाद ममता इस पूरी जानकारी के लिए। तो अमित शाह पीएम आवास पहुंचे हैं और पीएम से मुलाकात उनकी जारी है। एक बार फिर से आखिरी समय में क्या कुछ कैबिनेट में हो सकता है, इसको लेकर चर्चा होने की संभावना लगातार बनी हुई है। दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे नरेंद्र मोदी के साथ सियासी लड़ाई को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बहुत आगे ले जाने की मूड में दिख रही हैं। आज नरेंद्र मोदी शाम 7 बजे पीएम पद की दोबारा शपथ लेंगे। वहीं आज ही ममता बनर्जी धरने पर बैठने वाली हैं। ममता बनर्जी उत्तर 24 परगना की नेहाटी नगर पालिका के सामने आज धरने पर बैठेंगी। बता दें कि नेहाटी नगर पालिका के पार्षद भी मंगलवार को टीएमसी का साथ छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए थे। सूत्रों की माने तो ममता बनर्जी उन टीएमसी कार्यकर्ताओं के समर्थन में धरने पर बैठने वाली हैं जो चुनाव के दौरान हिंसा की वजह से सड़क पर आ गए हैं। ममता बनर्जी ने धरने पर बैठने की वजह राजनीतिक कार्यकर्ताओं का बेघर होना बताया है, लेकिन उनका असली मकसद लोकसभा चुनाव में हुई हार के बाद पश्चिम बंगाल की जनता की संवेदना बटोरना है। वाईएसआर कांग्रेस प्रमुख जगनमोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के बंटवारे के बाद राज्य के दूसरे मुख्यमंत्री के तौर पर आज शपथ लेंगे। राज्यपाल ईएसएल नरसिम्हन विजयवाड़ा के पास आईजीएमसी स्टेडियम में एक भव्य समारोह में दोपहर 12:23 पर 46 वर्षीय नेता को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। रेड्डी की पार्टी ने हाल ही में हुए विधानसभा और लोकसभा चुनाव में शानदार जीत हासिल की है। वाईएसआर कांग्रेस ने राज्य विधानसभा के 175 में से 151 सीटों पर जीत दर्ज की, साथ ही उसने 25 लोकसभा सीटों में से 22 पर जीत हासिल की। राज्यपाल नरसिम्हा बुधवार दोपहर को हैदराबाद से विजयवाड़ा पहुंचे। पार्टी सूत्रों के मुताबिक आज रेड्डी अकेले शपथ लेंगे, जबकि उनकी मंत्रिपरिषद का गठन 7 जून को किया जा सकता है।
और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश के धार में तनाव की खबर है। दो समुदायों में तनाव बना हुआ है। बदनावर में बीजेपी नेता बबू सराफ को तलवार मारी गई है। बदनावर में आगजनी और पथराव हुआ है। तनाव के बाद धारा 144 लागू कर दी गई है। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के धार में तनाव की स्थिति बनी हुई है। आगजनी और पथराव हुआ है। दो समुदाय के बीच तनाव की खबर आ रही है। बीजेपी नेता बब्बू सराफ को तलवार मारी गई है, जिसके चलते धारा 144 यहां पर लागू कर दी गई है। बदनावर में आगजनी की गई है। तनाव के बाद इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है। मध्य प्रदेश के धार में तनाव, बदनावर में आगजनी और पथराव हुआ है। तनाव के बाद इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है। बीजेपी नेता बब्बू सराफ को तलवार मारी गई है। बदनावर में आगजनी और पथराव की खबर मिल रही है। इस वक्त बड़ी खबर मध्य प्रदेश से, जहां पर तनाव के बाद इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है। मध्य प्रदेश के धार में तनाव की स्थिति बनी हुई है। दो समुदाय के बीच झड़प की खबर है, जिसके चलते आगजनी की वारदातें हुई है। बीजेपी नेता बब्बू सराफ को तलवार मारी गई है। वहीं बदनावर में आगजनी और पथराव की खबर है। तनाव के बाद इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है। मध्य प्रदेश के धार में तनाव का माहौल बना हुआ है। दो समुदायों के बीच झड़प हुई है। दो समुदायों में तनाव की खबर के बाद आगजनी यहां पर की गई। बीजेपी नेता बब्बू सराफ को तलवार मारी गई है। आगजनी और पथराव की घटना भी यहां पर देखने को मिली, जिसके चलते अब इलाके में हालात बेकाबू हो रहे हैं और ऐसे में धारा 144 लागू कर दी गई है। इस वक्त हमारे साथ संवाददाता शीतल रॉय जुड़ गई हैं। शीतल, क्या कुछ जानकारी और किस बात को लेकर ये पूरा तनाव हुआ? ये यहाँ पर स्थिति एक्चुअली कल रात की घटना है। यहाँ पर बीजेपी जो नेता है उनको एक तलवार मारी थी किसी दूसरे पक्ष में, उसको लेकर आग लगा दी गई है गाड़ियों में। और काफी, क्योंकि वो धार और बदनावर का जो क्षेत्र है हमेशा इस सेंसिटिव क्षेत्र हमेशा घोषित रहता है, क्योंकि धार में अगर देखा जाए तो धार में जो दो समुदायों के बीच हमेशा ऐसी विवाद की स्थिति पैदा होती रहती है। वही बदनावर पास में ही, बदनावर में जो घटना हुई है उसको लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ है, जिसको लेकर बीजेपी के जो जो एक नेता है वहां से उनको तलवार मारी है, जो काफी गंभीर रूप से घायल है, जिसको लेकर चुनाव ही इसके रंजित का कारण बताया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको फिर से कांग्रेस से जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन हालांकि कोई स्पष्ट अभी बोल नहीं रहा है, पर जो क्योंकि बीजेपी नेता पे हमला हुआ है, इसलिए इस घटना को एक गंभीरता से लिया गया है। और अभी वहां पर तत्काल वहां कलेक्टर ने जो धारा 144 लगा दी है और तत्काल वहां पर एक सेंसिटिव जोन घोषित किया गया। और अभी भी स्थिति बेकाबू है और लगातार वहां पर जो इकट्ठा भीड़ इकट्ठा हो रही है, एक दूसरे गुटों में भी झगड़े की। शीतल, आप खबर पर नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट लेंगे। शीतल, धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो अभी भी हालात सुधरे नहीं है, तनाव बरकरार है, जिसके चलते धारा 144 लागू कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल मौजूद है।